वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के 4 बजे हैं और यहाँ पे मैं सरगी के लिए सेवैया बना रही हूँ, आप सबको हैप्पी करवा चौथ। और यहाँ पे हर करवा चौथ पे या तो मैं सेवैया बना लेती हूँ, या तो मैं साबूदाने की खीर या तो मुरैया की खीर बना लेती हूँ, और कुछ मैं नहीं लेती हूँ। फल हो तो फल ले लेती हूँ, फिर चाय और पानी, बस इतना ही मेरे करवा चौथ के दिन। और कुछ भी नहीं मैं खाती हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे उठकर आप कितना खा सकोगे। पानी भी नहीं पिया जाता सर्गी के लिए। अगर आप सेवैया खीर कुछ भी बनाते हो तो वो भी आप 3-4 चम्मच ले सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं खाया जाता। तो चलिए, यहाँ पे मेरी जो सेवैया है वो बनकर रेडी हो गई है, और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। आगे का प्रोग्राम क्या है करवा चौथ का मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो बाद में मिलती हूँ। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, देखिए ये मैंने साड़ी यहाँ से ली थी, बाहर जो शॉप है, जैसे मैंने बोला पुरानी दो और नई ले जाऊँ वैसे ही, तो वहाँ से ली थी। देखिए बहुत अच्छी साड़ी है ये, और ये इसकी लेस है ऐसे, और हाँ ये ब्लाउज इसका नहीं है, दूसरी साड़ी का है, पर मुझे फुल मैचिंग में मिल गया। तो ब्लाउज अभी सिलवाना बाकी है, तो ब्लाउज में बाद में आपको बताऊंगी कैसा है। जैसे ही लेस है ना वैसा ही ब्लाउज है इसका, ये लेस है बिल्कुल वैसा ब्लाउज है। तो चलिए हम निकलते हैं, वैसे देर हो गई है क्योंकि रात को नहीं पर जल्दी वापस आना है, इसलिए। कहाँ जा रहे हैं वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो हम तारापुर जा रहे हैं, बस दिवाली की कुछ शॉपिंग करनी थी, वैसे ही जाना ही था, पर सोचा चलो आज होकर आते हैं, क्योंकि सच में आज मेरी तबीयत थोड़ी सी भी ठीक नहीं थी और उपवास था, तो थोड़ा बाहर ऐसे जाएंगे तो पूरा दिन उसमें चला जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा, तो बस इसलिए। और हम तारापुर कब से पहुँच चुके थे, तो एक घंटा जितना तो मैं सो गई थी, फिर भाभी ने बोला चलो बाज़ार होकर आते हैं, तो मैं, दिव्या, भाभी और रूसी चारों जा रहे हैं। और अभी हम, हमारा जो दूसरा घर है बाजार में, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से हम बाहर शॉपिंग के लिए ज़रूर जाएंगे, आपको साथ में लेकर जाएंगे। तो बस घर पे हम ज़्यादा देर तक नहीं रुके थे, क्योंकि अभी तो बाज़ार में सारी दुकानों में बहुत भीड़ लगी रहती है, तो जल्दी से घर भी वापस जाना है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर हम दिव्या के कपड़े के लेने के लिए आए हैं, और यहाँ जो कपड़े होते हैं वो सस्ते भी होते हैं रेट में और अच्छे भी होते हैं। तो बस दीवी अपने लिए कपड़े देख रहा है, ब्लैक कलर भी है, बीजो कोई वो कलर ले जे ना हो आते पहले, ये ब्लैक कलर है, टी शर्ट ब्लैक कलर है। ये ले लेना थी तारजो, बताओ तो खोली पेंट नहीं प्रिंट के ब्लू मस्त जाएगी। ब्लू मा चाहता जो शर्ट पेलो मस्त है, जो आओ ले लाओ ना थी आ ले ले ऊपर से नहीं स्काई ब्लू એવો નથી તાજો, એક લઈ લે, બીજો કાઢો છો બીજા કલર જો यहाँ पे शर्ट टी शर्ट के इतने सारे ऑप्शंस थे कि कौन सी ले और कौन सी ना ले, तो चॉइस करना मुश्किल था। तो दिव्या अपने लिए जो शर्ट और टी शर्ट लेना है तो वो चॉइस कर रहा है। और उसके बाद हम जो आए थे, तो आप ये रास्ता और ये गलियाँ देख रहे हैं ना, वो बचपन में हम यहाँ से स्कूल आते जाते थे, यही रास्ता था हमारा आने जाने का। और भाभी अपने लिए जो सूट के कपड़े लाई हैं तो वो सिलवाने के लिए आए हैं हम यहाँ, मतलब कि सूट का कापड़ देने के लिए आए हैं। और दिव्या को मैं समझा रही हूँ कि जो मंदिर है माँ काली का, उसके सामने नवरात्रि में बड़ा गब्बर बनता था और पावागढ़ का, और गरबे होते थे, तो बस वहीं पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है सब कुछ देखकर, और ऐसा होता था अरे यार हम बड़े क्यों हुए, अच्छा था कि हम बचपन में ही रहते,
सही है ना, आप सबको भी ऐसा होता होगा। तो बस अभी हम जा रहे हैं द्वारका, घर पे जाकर बहुत सारी तैयारी करनी है। अगर व्रत नहीं होता तो खाना खाकर निकलते, पर क्या है कि व्रत है मेरा तो इसीलिए अभी मुझे तैयार होना है। शाम के 6:45 बज चुके हैं, तो घर पे जाकर प्रसाद बनाऊंगी और तैयार भी होना है पूजा के लिए। और हाँ, पापा मम्मी और शंभू भाभी सब लोग गए थे, वो भी दिवाली शॉपिंग के लिए आनंद, और यहाँ से ज़्यादातर सब आनंद ही जाते थे। तो वो बोल रहे थे कि अगर कहाँ होता तो तुमको भी साथ में ले चलते, पर मेरा कुछ ऐसे फिक्स नहीं था तारापुर जाने के लिए, तो फिर मैंने कुछ कहा नहीं था। तो चलिए, उनको भी आज घर का तो कोई भी सीन मैंने सूट नहीं किया है, सच में सबको इतनी जल्दी जल्दी में मैं मिली हूँ ना कि पूछो ही मत। तो बहुत देर हो गई है, तो आपको मैं घर पर आकर मिलती हूँ। सब लोग, आप सबको हैप्पी करवा चौथ। और अभी अभी हम तारापुर से आए हैं और अभी अभी चांद निकला है, तो बस मुझे जस्ट प्रसादी बनानी है, तो वो मैं जल्दी से बना लूँ। और ये मेरा आज करवा चौथ का जो तैयार होते हैं वो है, और देखिए ये वाली बांधनी मैंने पहनी है आज, और ये मेरी मेहंदी का कलर देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। तो चलिए, मैं अब पता नहीं आपको आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या तो मैं जो पूजा करती हूँ उसमें भी आपको शामिल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर देख लीजिए। आज मैं ऐसी तैयार हुई, सिंपल सी तैयार हुई हूँ, क्योंकि सच में बहुत लेट हो गया है। तो चलिए, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। और हाँ, आप सबको हैप्पी करवा चौथ। तो देखिए, करवा चौथ का चंद्रमा निकल चुका है, अभी तो मेरी प्रसादी बनानी बाकी है, वो भी फटाफट से कर लेती हूँ, और मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में जल्दी से। तो जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना। तो बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम।